चलो तो एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हम सब लोग लाइव हो चुके हैं। ओके, आई थिंक हम लोग लाइव हो चुके हैं। ठीक है, चलिए तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ऑली बोर्ड पे। कैसे भाई सब लोग? देखो मैं आपको बताऊं, 2022 में आप किसी भी परीक्षा को दीजिए, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, आता ये जो टॉपिक है ना नई नियुक्तियां, इसे आप लोग मान के चलिए कि आपको दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली है कि आपको दो क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। मैं आपको बताऊं तो आज मैंने क्या किया है, लगभग 75 क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी की सारी नई नियुक्तियां याद करा दूंगा, रटा दूंगा। ठीक है, इसमें जो मेरी नियुक्तियां है ना वो नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है, यानी राष्ट्रीय भी है और दरअपना इंटरनेशनल भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय में जैसे कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है, रेलवे के नए अध्यक्ष कौन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय में आएंगे। अंतरराष्ट्रीय जो नई नियुक्तियां हैं, अंतरराष्ट्रीय जैसे कि मान लीजिए आप बताइए कि इस देश के प्रधानमंत्री कौन बने, इस देश की राष्ट्रपति कौन बनी, तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों नियुक्तियों को मिलाकर मैं आपको आज 75 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 75 क्वेश्चन मुझे पूरा का पूरा 1 घंटे में सॉल्व करना है। तो आज हम लोग डिटेल सॉल्यूशन ना देखकर स्पीड में सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो 75 नियुक्तियां पता चल जाए। अब लिखने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना, लिखने के लिए आपको एक कॉपी बनानी है और कॉपी में नोट्स कैसे बनानी है इसकी, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार देना और क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार देने के बाद सीधे सीधे बस उसका आंसर लिख लीजिएगा। इस तरीके से 75 नियुक्तियां आपको याद करना है। मैंने वो 75 नियुक्तियां ली हैं जो तुम्हारे कह सकते हो एग्जाम से बाहर नहीं जाएगी, मतलब आपने अगर इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप मान कर सकते हो कि न्यू अपॉइंटमेंट से आपके सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलो फिर आज पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए, जल्दी बताइए पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। तो एक बार पहले सब लोग लाइक कर दो यार, मजा ऐसे नहीं आएगा। एक बार पहले सब लोग सेशन को शेयर कर दो और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फटाफट जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। ओके चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह की नियुक्तियां मैं आपके सामने लेके आया हूं, बताओ। यूपीएससी के नए चेयरमैन का नाम बताइए, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है। अच्छा, जब भी कभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो बताने लायक है। जैसे कि यूपीएससी के बारे में तुम्हें याद होना चाहिए कि इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1926 में हुई थी। इसका कोई मुख्यालय पूछे तो तुम्हें न्यू दिल्ली बताना है। अभी तक यूपीएससी के अध्यक्ष थे प्रदीप कुमार जोशी, ले इस समय जो यूपीएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, यूपीएससी के लिए तुमसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद बता दीजिएगा 315, ये यूपीएससी के अनुच्छेद है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो मैक्सिमम 6 वर्ष या फिर कह सकते हो 65 वर्ष की आयु में आपका बाहर रिटायरमेंट लेते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, मनोज सोनी के साथ जाएगा। चलो इसका बताइए, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मतलब पाकिस्तान में तो दो तीन चीजें, देखो इस बार पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मतलब आपको बता दे, पाकिस्तान की जो जीके जीएस के लिए अलग से आप लोग एक टॉपिक बना लेना क्योंकि पाकिस्तान के क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली आएंगे, है ना। तो सुनो बड़े ध्यान से, अगर बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो जो इमरान खान है वो रिप्लेस हो चुके हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया था। इस समय पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ, है ना। तो शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बताओ यूजीसी के नए अध्यक्ष का जल्दी से नाम बता दीजिए, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है। फटाफट जल्दी बताइए, यूजीसी के नए अध्यक्ष का नाम बताओ। थोड़ा एक बार लाइक कर दो दोस्त, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यूजीसी की स्थापना कब हुई थी तो कह देना 1956 में हुई थी, मुख्यालय कहां है कह देना न्यू दिल्ली में है, पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एम जगदीश कुमार, ये यूजीसी के नए अध्यक्ष है। अच्छा, एसएससी के भी नए अध्यक्ष याद रखिएगा, एसएससी के नए अध्यक्ष है एस किशोर। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताइए एसएससी के नए अध्यक्ष का नाम क्या है, तो एसएससी के नए अध्यक्ष का नाम है एस किशोर।
तो एम जगदीश कुमार और एस किशोर में कंफ्यूज मत होना, ओके। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा, स्पीड बढ़ाइए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बताइए नए निदेशक कौन बने हैं। फटाफट जल्दी से आंसर दो। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, बिल्कुल। सचिन थोड़ा कमेंट फास्ट कीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा, विक्रम साराभाई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। ये विक्रम साराभाई के नए अध्यक्ष भाई। ऑप्शन नंबर ए चौथे का, वेरी गुड, बहुत सही चल रहा है। चलिए पांचवें क्वेश्चन का आंसर देते दिखाइए मुझे, क्या आंसर देना चाहोगे अब देखो। ये इंटरनेशनल नियुक्ति है, विश्व एलपीजी एसोसिएशन, पूरा नाम होता है वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन। बताओ वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का पहले आपसे मुख्यालय पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय फ्रांस में है। और इसके नए भारतीय अध्यक्ष का नाम बताइए कौन है। हाँ, लाइन से सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, श्रीकांत माधव। तो याद रखिएगा वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के नए चेयरमैन है श्रीकांत माधव। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताइए छठवा। सारी नियुक्तियां हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे राष्ट्रीय नेशनल हो, बताइए इसका आंसर। बस स्पीड मेंटेन कीजिए, मैं एक घंटे में 75 क्वेश्चन सॉल्व कराना है मुझे, वो 75 सॉल्व कर लो, याद कर लो। है भारत की नई सीजीए का नाम बताइए। आपको पता है कि भारत के जो अभी तक जो सीजीए थे उनका नाम था दीपक दास, ठीक है, लेकिन दीपक दास हट चुके हैं, दीपक दास की जगह आ चुकी है सोनाली सिंह भारत की नई सीजीए हैं। अजय त्यागी भी हट चुके हैं और के सिवान भी हट चुके हैं। के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे, जिनकी जगह ले ली है डॉक्टर सोमनाथ ने। ये कह सकते हो कि नई जगह है के सिवान की जगह, इसरो के अध्यक्ष थे। अजय त्यागी जो कि तुम्हारे सेबी के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब इनकी जगह ले ली है माधवपुरी बूच ने। सेबी की अध्यक्ष अजय त्यागी की जगह ले ली है माधवपुरी बूच ने, ओके। तो सही आंसर तो सोनाली सिंह है, लेकिन आगे आपका ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर सोमनाथ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष इसरो के आपको बताना है कि नए अध्यक्ष का नाम क्या है। अभी आंसर दो भाई सब लोग जल्दी से, फटाफट पढ़िए, ओके। थोड़ा एक बार लाइट वाइट करते रहिए दोस्त। अरे आपको पता है ना, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो दरअसल 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, और इसरो के जो नए चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर सोमनाथ। सिर्फ सोमनाथ याद रखो, बाकी और याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां। बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चेयरमैन का नाम बताओ, नए महानिदेशक। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक का नाम बताइए, ओके। चलिए इसका आंसर दीजिए। आपको पता है भारतीय तट रक्षक की बात हो रही है यहां पर, तो पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 8 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो नए चेयरमैन हैं, नए डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है वीरेंद्र पठानिया। करके याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल वीरेंद्र पठानिया। ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर नौवा। नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं, ठीक है। नेशनल डिफेंस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय कहां है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली। अब इसके जो नए चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है मनोज कुमार माडो। ये इसके नए चेयरमैन है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर, और भाई बिल्कुल मनोज मुकुंद नरवाने, नहीं बताइएगा नहीं तो सवाल हो जाए गलत। बताइए ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, शॉर्टकट में बोलते हैं EESSL, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। पहले आप मुझे बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। कहना इसकी स्थापना सर 2009 में हुई थी। मुख्यालय कहां है, न्यू दिल्ली में। और इसके जो नए सीईओ बनाए गए हैं उनका नाम मुझे बताइए, है ना। तो EESL के नए सीईओ बनाए गए हैं अरुण कुमार मिश्रा। ये इसके नए सीईओ हैं। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही आंसर होगा भाई, ओके। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बताइए सीआईएसएफ
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब मुझे जल्दी से बताइए CISF की पहले बताओ स्थापना कब हुई थी, तो कह देना इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। अब सवाल यह है कि इसका मुख्यालय कहां है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल बनाए रहे उनका नाम है सील वर्धन सिंह अभी रिसेंटली में डायरेक्टर जनरल बनाए रहे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस आप देखते रहिए आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 50 के बताइए नए अध्यक्ष कौन बनाए रहे। देखो मैंने आपकी क्लास में बहुत बार ये बात बताई है, अगर तुमसे 50 के अध्यक्ष पूछा जाए, वैसे मैं आपको पहले बता दूं 50 सर 50 की स्थापना 1927 में हुई है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय कहां है, न्यू दिल्ली में है। अब देखो 50 के अगर नए चेयरमैन की बात करते हैं तो तुम्हारा आंसर जाएगा संजीव मेहता के साथ, संजीव मेहता 50 के नए चेयरमैन है। फिर मैंने आपको एक और प्रश्न बताया होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 8 अप्रैल 1995 में हुई थी सर, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसके नए चेयरमैन कौन है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन है संजीव कुमार। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, संजीव मेहता यहां पर है और संजीव कुमार यहां पर है। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाहिर भाई। ओके चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 बताइए आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर का नाम बताओ, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए। कई बार देखो डिप्टी गवर्नर भी पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। हाँ आइए बिल्कुल, तो अगर बात आरबीआई की करते हैं तो सर आरबीआई की स्थापना 8 अप्रैल 1935 में हुई थी, और याद रखिएगा सर आरबीआई की स्थापना के लिए जो एक्ट आया था वो एक्ट आया था 1934 में, है ना। उसके बाद याद रखना आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पर हुई थी, यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई के अगर गवर्नर का नाम पूछा जाता तो कह देते शक्तिकांत दास ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ओके, लेकिन डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो डिप्टी गवर्नर तुम्हारा ध्यान रखना एम के जैन, टीवी रविशंकर और एम राजेवर राव, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे आंसर तुम्हारे सही है डिप्टी गवर्नर के लिए। ओके चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं, बताओ जल्दी से। पहले आप सब लोग मुझे बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी, ये शुरू होना भी याद रखना, ठीक है। तो याद रखिएगा ये योजना शुरू हुई थी 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। अब इसके नए चेयरमैन का तुमसे सीईओ का नाम पूछा जा रहा है, बताइए इसके नए सीईओ कौन है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के नए सीईओ बनाए गए हैं रितेश चौहान, है ना। तो इसका सही उत्तर रितेश चौहान के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके भूटानी नहीं भैया, रितेश चौहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए नेशनल क्रेडिट कोर, अच्छा नेशनल क्रेडिट कोर की बात करते हैं तो नेशनल क्रेडिट कोर की अगर कोई स्थापना पूछे तो 16 अप्रैल 1948 बताना, एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 हुई थी। मुख्यालय कोई पूछे तो न्यू दिल्ली बताना भाई, है ना। अब इसके नए महानिदेशक का नाम बताइए, तो इसके महानिदेशक है गुरबीर पाल सिंह है। अब इससे मिलता जुलता पता है नाम कहां है, एक एनटीपीसी है एनटीपीसी के चेयरमैन, और दूसरे ध्यान रखना आपके उत्तराखंड के गवर्नर, ये तीन नाम जो है लगभग सेम है, ठीक है। अब आपने गुरबीर पाल सिंह पढ़ लिया तो पहले एनटीपीसी सुनिए, एनटीपीसी के अध्यक्ष का नाम है गुरदीप सिंह, जबकि उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो अगर मैं एग्जाम में क्वेश्चन बना रहा होता तो मैं एक बार जो है इसके लिए जरूर क्वेश्चन बनाता, है ना। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, एनसीसी के गुरबीर, एनटीपीसी के गुरदीप और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत, बोलो याद रहेगा ना। अरे बिल्कुल भैया, उसी के लिए तो सबसे मेन है यार, CVT2 के लिए कैसी बात कर रहे हो। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष बताइए, पहला मुझे बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कह देना नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, सर नाबार्ड का अगर कोई मुख्यालय कोई पूछे तो कह देना मुंबई है ना, और नाबार्ड का पूरा नाम सामने लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। नाबार्ड का जो स्थापना हुई थी वो शिव रामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर हुई थी, शिव रामन कमेटी। और नाबार्ड में कई बार तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत सरकार की हिस्सेदारी 99% याद रखना है ना। अब इसके अगर चेयरमैन की बात करते हैं, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गोविंद राज चिंतलू, ये स्टेट कह सकते हो चेयरमैन है। ओके, गोविंद राज चिंतलू, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा। थोड़ा एक बार लाइक कर दो यार, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले जल्दी से एक बार शेयर कर दो, फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए। बताओ इसका आंसर बताओ, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। पहले आप मुझे बताइए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय बताइए कब हुआ था। चलो बताइए, हाँ बिल्कुल एकदम सही है। तो आपको पता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय इसका आनंद में। आनंद कहां है? सर ये गुजरात में पड़ता है आनंद। ओके, एक्चुअली में अमूल की जो फैक्ट्री है ना वो मेनली आनंद में ही है। अमूल का पूरा नाम यही है, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल आनंद मिल्क यूनिट। अच्छा, इसकी अभी तक तो वर्षा जोशी थी, लेकिन वर्षा जोशी जब से हटी है तो जो एडिशनल चार्ज मिला है वो मिनी शाह को मिला है। अभी उसके बाद परमानेंटली कोई नहीं आया, इस बात को पहले समझो। तो वर्षा जोशी हट चुकी है लेकिन एडिशनल चार्ज मिल चुका है मिनीष शाह को। तो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, याद रखिएगा। बोलो क्लियर है ना। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब पहले आप सब लोग बीआरओ की मुझे स्थापना बताइए, बीआरओ की स्थापना कब हुई थी बताइए जल्दी से ना। तो आपको पता है बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और बीआरओ की स्थापना याद रखना 7 मई 1960 को हुई थी है ना। और अगर कोई पूछे कि बीआरओ का मुख्यालय कहां है, न्यू दिल्ली। और बीआरओ की स्थापना किसने थी तो कह देना पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीआरओ की स्थापना की थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब इसके अध्यक्ष का नाम सुनिए, सर इसके अध्यक्ष का नाम है राजीव चौधरी। राजीव चौधरी बीआरओ के अध्यक्ष है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है भाई, याद रखिएगा राजीव चौधरी। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 इसको देखिए। सेल, पहले आप मुझे सब लोग बताएंगे सेल, सेल की स्थापना कब हुई, और सेल की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए जो इस समय भी अध्यक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है सेल है ना। ओके, तो अगर मैं सेल की स्थापना की बात करता हूं तो सर सेल की स्थापना 1954 में हुई थी, और कोई पूछे कि बताओ सेल का मुख्यालय किधर है तो कह देना इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष का नाम है सोमा मंडल, हालांकि सोमा मंडल काफी पुरानी हो चुकी है फिर भी एग्जाम में इसलिए पूछता है क्योंकि ये महिला है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। नहीं भैया 1974-75 जो तुम बता रहे हो ना वो एनटीपीसी है, सेल नहीं है, है ना। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी, बताइए। 2022 में हंडरी, ये इंपॉर्टेंट, देखो इंटरनेशनल नियुक्ति है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई, आपके 20 मिनट हो चुके, थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए। सर ये एक्सप्लेनेशन वाले ही पीडीएफ में दिया करो। अच्छा ठीक, मार्च 2022 में हंडरी, मैं आपको बता दूं हंडरी की बात अगर करते हैं हम लोग तो हंडरी की राजधानी याद रखना वो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट हंडरी की राजधानी है। इसकी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने की फुल पॉसिबिलिटी है। तो कैटलिन नोवाक ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है हंडरी की, और हंडरी राजधानी याद रखिएगा बुडापेस्ट। चलो इसको देखिए, इसका आंसर देखिए, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड। अच्छा सीबीएसई की बात हो रही है, आप में से कोई मुझे बताएगा सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे जल्दी बताइए सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी, कह देना 1929 में हो रही थी, और सीबीएसई का मुख्यालय कोई पूछे तो कह देना न्यू दिल्ली। और सीबीएसई के इस समय चेयरमैन का नाम बताओ जल्दी से। हाँ ओके, बिल्कुल एकदम सही, विनीत जोशी, सीबीएसई के चेयरमैन है विनीत जोशी। सारे के सारे मैंने आज लाइन से सॉल्व करा दूंगा पूरे, देख लीजिए ना। 1939 नहीं है कुमारी जी, 1929 है ना। चलो 22 नंबर देखिए, मार्च 2022 में यशराज फिल्म का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? देखो अगर यशराज फिल्म का तुमसे सीईओ पूछा जा रहा है
तो सीईओ तुम्हें बताना है अक्षय विधानी को। यश राज फिल्म का जो सीईओ है उसका नाम है अक्षय विधानी। ले अगर यही तुमसे पूछा जाता कि बताइए यश राज फिल्म का चेयरमैन कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है, तो तुम्हें बताना है आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा तो चेयरमैन जो है वो आदित्य चोपड़ा है, जबकि जो नया सीईओ नियुक्त किया गया है उसका नाम है अक्षय विधानी। बोलो बात सब क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा इसके। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। अब यहां से देखो कुछ इंटरनेशनल नियुक्तियां आ रही। फरवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा, नाम बोलना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आप नाम बोलना नहीं सीखोगे तब तक आपको नाम याद नहीं होगा। एंटोनियो कोस्टा, फिर से बोलिए एंटोनियो कोस्टा, है ना। तो ये जो एंटोनियो कोस्टा है ना, ये कहां के, किस देश के जो है प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए? तो आंसर जाएगा पुर्तगाल। तो एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रूप में पुनः निर्वाचित हुए। पुर्तगाल की कोई राजधानी पूछे तो लिस्बन बतानी है, कैपिटल ऑफ पुर्तगाल लिस्बन है, है ना। तो आंसर जो है पुर्तगाल के साथ जाएगा 23वें का। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा। फिर से बोले साथ बोल लो एंटोनियो कोस्टा, याद हो जाएगा। बताइए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पहले आप सब लोग मुझे बताओ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो कह देना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में होती है। और कोई इसका मुख्यालय पूछे तो दारकना इसका मुख्यालय कोलकाता में। अब इसके बताओ डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन बनाए गए? डॉक्टर एस राजू, रामकृष्ण, विमल शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। तो एस राजू करके याद रखिएगा, डॉक्टर एस राजू जो है ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर। मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने रहे हैं? बताओ मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, दक्षिण कोरिया के बताइए नए राष्ट्रपति कौन चुने रहे हैं, है ना। तो ये अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे लगता है आपको पढ़ाया भी गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पढ़ाया गया हो, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है बिल्कुल, देखो लाइन से सबका सही आंसर आ रहा है। यून साठ यूल, यून साठ लू यूल, ऐसे याद भी करते रहिए, यून साठ लू यूल, एक दो बार बोलिए याद हो जाएगा। ठीक है तो यून साठ यूल, यून साठ यूल, ओके क्लियर है ना। चलो तो इसका सही आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 26। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका आंसर दो भाई सब लोग, किसे विदेश सचिव नियुक्त किया है? फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए, है ना। और ये पता क्यों इंपॉर्टेंट, मैं आप बताता हूं। तो अप्रैल 2022 में नए विदेश सचिव बनाए गए हैं विनय मोहन। विनय मोहन विदेश सचिव बनने से पहले नेपाल में भारत के राजदूत भी थे। तो आपसे कोई पूछे नेपाल में अभी तक भारत के राजदूत कौन थे? विनय मोहन। ले इस समय ये नए विदेश सचिव बन चुके हैं, इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? बताइए गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, ऐसे मजा नहीं आ रहा, एक बार दबा के शेयर करो ताकि जल्दी से ये 50 आंकड़ा फिर से आपने मीनाक्षी लेखी आंसर दिया। कब तक विहान मीनाक्षी लेखी के पीछे पड़े रहोगे? पसंद आ रही क्या है? इसका सही आंसर जाएगा तुम्हारा कला रामचंद्रन के साथ। कला रामचंद्रन जो है ये गुरुग्राम की पुलिस महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, वो भी पहली। तो ऑप्शन नंबर सी ओके। मीनाक्षी लेखी ने सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक लिखी है भाई, और ये जज है पेशे से, भारतीय नए सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी। ये बताइए कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर दो भाई सब लोग, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी, इस बात को पहले समझो। ठीक है तो मनोज जो पांडे है ना, ये चीफ है, ये चीफ है, लेकिन उन्होंने डिप्टी चीफ पूछा है, डिप्टी मतलब थोड़ा सा नीचे। तो इसका सही आंसर जाएगा चन्नीर बंसी बोनप्पा के साथ, ये डिप्टी चीफ है। लेकिन अगर सवाल में सिर्फ चीफ मुझसे पूछा जाता तो मनोज पांडे के साथ आंसर जाता भाई। बोलो बात सबको क्लियर है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, समझ पा रहे हो? ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अरे होंडा कार, इस बात को याद रखिएगा, होंडा कार और मारुति सुजुकी
इन दोनों के अभी अभी ध्यान रखिएगा सीईओ बदले हैं। अब आपको ये होंडा कार और मारुति सुजुकी के सीईओ याद रखने, पहले मैंने होंडा कार के याद कर दूं, तो होंडा कार के जो नए सीईओ बनाए गए होंडा कार के, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तो होंडा कार के नए सीईओ बनाए गए हैं तुटिया तुटिया सुत मुरा, है ना, ऐसी याद कर लीजिए, टकुआ सुत मुरा, यही ऑप्शन नंबर बी। ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए लिंट, अच्छा आज देखो भाई मैं आपको फिर से बता दूं, ग्रुप डी के लिए डेली मैं रात में 10:15 बजे क्विज अपलोड करता हूं, है ना, उसमें टॉप 20 स्टूडेंट का नाम भी बताता है कि कौन टॉप की हैं। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप यानी योगी फिजिक्स कॉन्सेप्ट पे आप जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा बड़े आराम से, योगी फिजिक्स कॉन्सेप्ट पे जुड़ जाइएगा, योगी फिजिक्स कॉन्सेप्ट पे जुड़ जाइए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग क्विज को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो डेली रात 10:15 बजे, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बनाए गए हैं, इसका आंसर दो भाई सब लोग, ठीक है। चंचल कुमार का नाम अभी आएगा, लेकिन इसका आंसर चंचल कुमार नहीं देना, नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत, ओके। अब जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है संजीव सन्याल के साथ, संजीव सन्याल जो है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है। अब देखो सवाल में गलतियां होना शुरू हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि अब आपके मन में आएगा कंफ्यूजन, तो जब कंफ्यूजन होगी तो गलतियां भी होंगी, ओके। तो अब आप लोग तो थोड़ा ध्यान से आंसर देना भाई, नहीं तो सवाल गलत होते रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, IDBI पूरा नाम सामने लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1964 में आया था और इसका मुख्यालय तो पूछे मुंबई में, और यह बैंक ऑफ इंडिया LIC के अंतर्गत होता है, LIC के अंतर्गत है, और इसके नए MD कौन बने हैं, तो इसके नए MD बने हैं तुम्हारे, बताइए जल्दी से, बिल्कुल, तो मनोज आहूजा ये इसके नए MD बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बताओ इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, पहले आप मुझे बताओ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो कह देना इसकी स्थापना 1933 में हुई थी और मुख्यालय को पूछे मुंबई, अब मुझे जल्दी से बताइए इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, ठीक है, रॉय नहीं है भैया, ना 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 ना, इसके आंसर जो है नितिन जो है परांज पे, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर है, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है नितिन। चलो आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड, पूरा नाम सामने लिखा हुआ है नेशनल हाईवे, फिर इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष का नाम बताओ, है ना, बिल्कुल, अब इसके जो नए अध्यक्ष का नाम है वो है तुम्हारा MD मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है चंचल कुमार, वो है चंचल कुमार, है ना, तो याद रखिएगा NH मतलब नेशनल हाईवे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए रहे हैं चंचल कुमार, ऑप्शन नंबर बी। सर पीछे से आवाज आ रही है, ओके मैं सही करता हूं, यार जो हम बोल रहे हैं वो यहां आ रहा है, हाँ और क्या, और या तो इसमें गड़बड़ है या तुम तो बोलो शांत रहे, आवाज आ रही है पीछे, बताओ इसका आंसर दो, IRDAI, आपको पता है ये एक इंश्योरेंस कंपनी होती है सर, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और कोई इसका मुख्यालय पूछे तो आपको बताना हैदराबाद, है ना, तो IRDAI के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है देवशीष पांडा, इसका सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो आज बढ़िए, कोई गड़बड़ नहीं है यार, कैसी बातें करते हो। चलो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन का नाम बताइए,
ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन का नाम जल्दी से मुझे बताइए। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन है? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए भाई। तो ऑयल इंडियन की बात करते हैं तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में हुई थी, है ना। भारत में सबसे ज्यादा तेल शोधक कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और स्टेट चेयरमैन का नाम है रंजीत रथ। रंजीत रथ स्टेट चेयरमैन है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर होगा। ओके, रंजीत रथ बिल्कुल एकदम सही है। आगे बढ़िए, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। एयर इंडिया के भी अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। आपको पता है एयर इंडिया की स्थापना पहले बताइए कब हुई थी? तो एयर इंडिया की स्थापना ध्यान रखना 1932 में हुई थी एयर इंडिया की स्थापना, और इसकी स्थापना की थी जे आर डी टाटा ने। और कोई मुख्यालय पूछे एयर इंडिया का तो कह देना न्यू दिल्ली। अब मुझे जल्दी से बताइए इसके नए अध्यक्ष का नाम क्या है, है ना। हाँ, नटराजन, बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं, नटराजन चंद्रशेखरन, ये इसके नए अध्यक्ष का नाम है एयर इंडिया के। बोलो, ऑप्शन नंबर बी ए नहीं है भैया, बी सवाल का सही उत्तर है, नटराजन चंद्रशेखरन। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब कुछ मुख्यमंत्री भी देखिए, अभी जो चुनाव हुए थे ना 2022 में मार्च के आसपास, तो कई सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री और गवर्नर चेंज हुए हैं, तो मैंने सोचा उनको भी ले लेता हूं, उठा लेता हूं। चलो इसका देखिए आंसर, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। पंजाब के पहले गवर्नर सुनिए, पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये पंजाब के नए गवर्नर बन चुके हैं। और मुख्यमंत्री का नाम कोई पूछे तो भगवंत मान का नाम याद रखिएगा। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री है भगवंत मान, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर दो। बजाज एलियंस के नए एमडी और सीईओ का नाम फटाफट जल्दी से बताइए कौन बनाए गए। ओके, ठीक है। अच्छा विधानी याद है, अच्छा विधानी कौन थे? यस राज फिल्म के थे, है ना। तो इसका सही आंसर जाएगा तपन सिंघेल के साथ। तो बजाज एलियंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं तपन सिंघेल, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर है भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर बताइए। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। अच्छा, कुछ मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं और कुछ बदले हैं, है ना। तो मणिपुर के अगर तुमसे गवर्नर का नाम पूछा जाए तो गवर्नर है ला ड्रेशन। तो ला ड्रेशन ये मणिपुर के गवर्नर का नाम है। जबकि अगर मैं पूछूं जी बताइए मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो याद रखिएगा एन बीरेन सिंह, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री है, ऑप्शन नंबर ए। बोले, सारी नियुक्तियां मैं एक साथ लेके आऊं, कौन से 39 में आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। फ्लिपकार्ट प्लस हेल्थ के नए सीईओ का नाम बताइए। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ का नाम जल्दी से मुझे बताइए क्या है, फटाफट इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो प्रशांत झावेरी के साथ आंसर जाएगा। प्रशांत झावेरी जो है वो फ्लिपकार्ट प्लस हेल्थ के नए सीईओ बनाए गए, प्रशांत झावेरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। उत्तराखंड के भी देखो मुख्यमंत्री चेंज हुए अभी हाल में। उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, है ना। और उत्तराखंड के तुम्हें सबसे पहले तो गवर्नर भी पता होना चाहिए कि भैया उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। मैंने बताया था कंफ्यूजन है, तो उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है गुरमीत सिंह, ये उत्तराखंड के गवर्नर हैं। लेकिन अगर सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के इस समय सीएम है पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के सीएम का नाम है भाई। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। गोवा, अच्छा गोवा के बारे में मैंने देखो कल भी आपको बातें बताई थी, देखो सुन लो, अगर तुमसे जब भी तभी गोवा की बात की जाएगी तो 1510 में गोवा पे कब्जा किया गया था। गोवा को आजादी मिली थी 1961 में। गोवा को पहले केंद्र शासित राज्य बनाया गया था 1962 में, और गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया था 1987 में, है ना। जब इन्होंने केंद्र शासित राज्य बनाया वो 12वां संविधान संशोधन था, और जब इन्होंने पूर्ण राज्य बनाया 1987 में वो 56वां संविधान संशोधन था। अब आपको बताना है गोवा के इस समय मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो सर गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, ये गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर होगा भाई, है ना।
आप जल्दी से सब लोग मुझे कमेंट करके बताइए गोवा के गवर्नर का नाम क्या है। मैं देखना चाहता हूं आप सब लोग गोवा के गवर्नर बता पाओगे नहीं बता पाओगे, जल्दी बताइए। ओके, गोवा के श्रीधरन पिल्लई, वेरी गुड। तो श्रीधरन पिल्लई का नाम याद रखिएगा, श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के कह सकते हो गवर्नर है, इस बात को याद रखिएगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर जो अभी रिसेंटली में नियुक्त हुए हैं। 43 नंबर बताइए, ये देखो मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD और CEO बताओ कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ठीक है। तो याद करो तुकुआ तुटिया, ये कहां बताया था, ये हीरो में बताया था ठीक है। ये तुम्हारा कहां पर बताया गया था, सॉरी हीरो नहीं, होंडा, होंडा में बताया गया था। अब इन्होंने पूछा है मारुति के, तो मारुति के नए MD और CEO बनाए गए हैं, इनका नाम है हिसाकी ताटे यूचू, हिसाकी ताटे यूचू। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बोलो रे दो तीन बार तो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके ताटे यूचू, हाँ हाँ एकदम सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर बताइए, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार एडवाइजर कौन बने हैं बताओ, रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार एडवाइजर कौन बनाए गए हैं, इसका आंसर दो सब लोग। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन मत रखना, तो रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार जो एडवाइजर बनाए गए हैं उनका नाम है विनोद जी ठंडारे, विनोद जी ठंडारे ये रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार एडवाइजर है, ऑप्शन नंबर ए विनोद जी ठंडारे। आपको करना पता क्या है, ऐसे लाइन लिखिए कि रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार एडवाइजर कौन है, आंसर लिख लीजिए विनोद जी ठंडारे। और इस तरीके से आज मैं 75 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आपको करना क्या है इनको नोट डाउन कर लेना, 2022 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के बताइए नए अध्यक्ष कौन बनाए रहे हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बनाए रहे हैं, तो आंसर जाएगा सुमंत सिन्हा के साथ, सुमंत सिन्हा भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा वो राजीव वाला क्वेश्चन मुझे मैंने कल आपको बताया था, वो क्वेश्चन इसमें नहीं शायद ऐड है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखना नीति आयोग के उपाध्यक्ष अब राजीव कुमार नहीं है। ओके बताइए गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन है, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष का नाम बताइए कौन है ना, तो गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा रमेश तावड़कर, ये गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष है। और श्रीधरन पिल्लई जो है ना वो गोवा के गवर्नर का नाम है ठीक है, तो आंसर जाएगा रमेश तावड़कर के साथ, गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष अभी एक दो दिन पहले नियुक्त हुए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD का नाम बताइए, आपको पहले यह बताइए DMRC की स्थापना कब हुई थी, तो मेरे भाई कह देना DMRC की स्थापना सन 2002 में हुई थी। अब इसके तुम्हें नए MD का नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 47 में बताइए, हाँ हाँ बिल्कुल विकास कुमार, याद रखिएगा विकास कुमार इसके नए MD है ना, बाकी अच्छा विधानी मैंने बताया ही कहां पर मिलेगा आपको, विकास कुमार वन अनुसंधान केंद्र के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर बात फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की आ रही है तो याद रखिएगा इसकी स्थापना सन 1906 में हुई थी, उसका मुख्यालय देहरादून में, देहरादून में। और इसकी नई निदेशक का नाम बताइए कौन है ना, बिल्कुल रेणु सिंह, तो 48वें का सही आंसर है रेणु सिंह, ये इसकी नई महानिदेशक है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, ऑप्शन नंबर इसका सी सवाल का सही आंसर होगा भाई रेणु सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए 49, सर्बिया के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए, सर्बिया के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए, सर्बिया का ही वही खिलाड़ी था नोवाक जोकोविच, नाम याद है ना, तो सर्बिया का खिलाड़ी था नोवाक जोकोविच। अब आपको बताना है सर्बिया के नए राष्ट्रपति का नाम बताइए क्या है ठीक है। अच्छा बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, अगर कोई पूछे कि सर्बिया की राजधानी का नाम क्या है, बेलग्रेड, ये सर्बिया की राजधानी है। ओके अब इसका सही आंसर जाएगा अलेक्जेंडर वुसुट के साथ, सर्बिया के नए राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वुसुट, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा जैसे कि दीपा दास ये डी आंसर दे रही है, डी मिलेगा आपको दीपा, आपका एक दो क्वेश्चन बाद आपका डी ही मिलेगा, मैं अभी बताऊंगा डी कहां है। बताइए सेबी की नए अध्यक्ष का नाम कौन है, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
मुंबई में मुख्यालय 88 में स्थापना हुई थी, टामटन की शुरुआत 92 में हुई है, और इसकी नई अध्यक्ष का नाम है माधवपुरी बूच, महिला अध्यक्ष है माधवपुरी बूच, ओके। ऑप्शन नंबर ए, 51 नंबर देखिए, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनाए रहे हैं, बताओ, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बनाए रहे हैं, ठीक है। देखो, नितिन मिले थे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में, याद है ना, मनोज पांडे यही है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख, विनीत जोशी मिले थे सीबीएसई में मुझे, और डॉक्टर एस सोमनाथ मिले थे, सोमनाथ है ना ये, मिले थे मुझे इसरो में, बोलो क्लियर है ना। तो इसका आंसर जाएगा 51 का बी, मनोज पांडे के साथ। बताइए तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति का नाम, बताइए तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति का जल्दी से मुझे नाम बताइए फटाफट। एक बार लाइक वाइक करते रहिए दोस्त, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर करते रहिए, ठीक है। हाँ, तो दीपा अब आंसर जाएगा सरदार वर्दी मोहम्मद देव के साथ, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे सरदार वर्दी देव, ऑप्शन नंबर ए। अब 52 का आंसर अपना बनाइए, ओके क्लियर है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम बताइए, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम बताइए, सब लोग बताइए जल्दी से। अजीत कुमार तुम्हारे कमेंट कहां है, थोड़ा देखे जरा अजीत कुमार क्या कमेंट कर रहा है। ओके, एक बार लाइक वाइक करते रहिए दोस्त, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से। हाँ, अब जो इसका आंसर है वो ग्रेबियल बोरेट के साथ जा रहा, चिली। आपको पता है कि ये दक्षिण अमेरिका का देश होता है, और इसके सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए रहे हैं ग्रेबियल बोरेट, नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री का नाम बताइए, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बनाए रहे, फटाफट जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54, नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री का नाम बताइए फटाफट। हाँ, तो मार्क रट के साथ नाम जाएगा, तो ये जो मार्क रट है, ये मार्क रूट, सॉरी रट नहीं मार्क रूट, मार्क रूट जो है वो नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनाए रहे, मार्क रूट, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाए रहे। अच्छा, अब याला क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा भाई आपको, याला क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा अन्यथा गलत हो जाएगा, इस बात को पहले समझो, ठीक है। सुनो बड़े ध्यान से, जब भी तभी बात आईएमएफ की करना, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, स्थापना तुम्हारी हुई थी 1944 में। अगर तुमसे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम पूछा जाता तो आपको बताना है क्रिस्टियाना जॉर्जिया, क्रिस्टलीना जॉर्जिया, क्रिस्टलीना जॉर्जिया, ये स्टेट कह सकते हो मैनेजर महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल है। लेकिन अगर तुमसे डिप्टी डायरेक्टर जनरल पूछा जाता, डिप्टी, तो डिप्टी डायरेक्टर जनरल पूछा जाता तो तुम्हें आंसर देना था गीता गोपीनाथ। लेकिन उन्होंने पूछा नए मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री कौन बनाए रहे, मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाए रहे, तो इसका आंसर जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी के साथ, पीरे ओलिवियर गौरी चंद, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर है भाई, ओके। तो इसका सही आंसर ए नहीं है, सब लोग गीता गोपीनाथ पता कब बताना है, जब तुम्हें डिप्टी डायरेक्टर जनरल पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, बताइए निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बनाए रहे। ये निकारागुआ ना, ये उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा देश पड़ता है उत्तरी अमेरिका में से, और निकारागुआ के बताइए नए राष्ट्रपति कौन बनाए रहे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका देश है। तो जॉस डेनियल का नाम याद रखिएगा, जॉस डेनियल जो है ये निकारागुआ के नए राष्ट्रपति बनाए रहे, उत्तरी अमेरिका का देश है निकारागुआ, ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर जाएगा। पीडीएफ आपको भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी दोस्त। यूपीएससी के बताइए नए अध्यक्ष का नाम क्या है, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी इसकी, योगी फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर है। हाँ, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी, प्रदीप जोशी की जगह लिए, याद रखिएगा प्रदीप जोशी की जगह लिए। बताइए भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए रहे हैं, इसका आंसर दो, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए रहे हैं फटाफट जल्दी बताइए। थोड़ा एक बार लाइक वाइक करते रहिए दोस्त,
और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर करते रहो। बताइए, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम ये नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम नहीं है। बताइए, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर दो। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताइए कौन है? ये सारे के सारे देखो, नेशनल और इंटरनेशनल मैंने सारी नियुक्तियां एक साथ लिए। ओके, अब बताइए जल्दी से। ठीक है, तो इसके आंसर जाएगा अली खान के साथ। अली खान जो है वो कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। सिर्फ अली खान ही याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए बताइए। 60 अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंट करो पहले वाले क्वेश्चन को, याले क्वेश्चन को वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए पहले। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहां है? लुसाने, लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में, है ना। अगर इसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता तो इसके अध्यक्ष का नाम है थॉमस बॉट। वैसे इसके अध्यक्ष का नाम है थॉमस बॉट, लेकिन याद रखिएगा एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन चुनी रही है? देखिए, एथलीट आयोग की जो नई अध्यक्ष चुनी रही है वो चुनी रही है एम्मा टेरहो, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर एथलीट आयोग की पूछी जा रही है तो आपको ऑप्शन नंबर बी के लिए सवाल का आंसर दीजिएगा। सर युगांडा और नाइजीरिया का बता दीजिए, होगा आगे क्वेश्चन होगा दोस्त। 61 देखिए, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, वो भी अश्वेत महिला जज का नाम बताइए। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज कौन बनाई गई है? फटाफट जल्दी से बताइए। ओके, ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर जाएगा तुम्हारा ब्राउन जैक्सन के साथ। ब्राउन जैक्सन जो है ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनाई गई है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। आईएलओ के नए महानिदेशक कौन बनाए रहे? आईएलओ पता है ना भैया, आईएलओ की जो स्थापना हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है इसको। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई है, मुख्यालय कोई पूछे जिनेवा में है। और अगर तुमसे मजदूर दिवस कोई पूछे कब मनाया जाता है? 8 मई, मजदूर दिवस 8 मई है ना। तो इसके जो नए महानिदेशक बनाए रहे हैं गिल्बर्ट होंगो, गिल्बर्ट होंगो ये इसके नए महानिदेशक है। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का नाम बताइए। रेलवे बोर्ड देखो, जो तुम्हारा इंडियन रेलवे बोर्ड है उसकी स्थापना हुई है 1905 में, याद रखिएगा। और इस समय जो उसके नए चेयरमैन है उनका नाम है वी के त्रिपाठी। ओके, वी के त्रिपाठी ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले सुनीत शर्मा थे, उससे पहले वीटे यादव थे, लेकिन वीटे यादव के बाद त्रिपाठी हुआ है, सुनीत शर्मा है, और फिर उसके बाद वो भी आए। बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बनाए रहे हैं? बताओ, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बनाए रहे? फटाफट जल्दी पढ़िए, है ना। ओके, थोड़ा एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी करते रहो दोस्त, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करते रहिए, है ना। बिल्कुल, अजय कोचर के साथ आंसर जाएगा। अजय कोचर देखो सब जगह कहीं ना कहीं है, जैसे एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है, विनीत जोशी तुम्हें सीबीएसई में मिलेंगे, और अजय विधानी, यश चोपड़ा जो फिल्म के सीईओ बनाए रहे हैं वो हमारे अजय विधानी। इसका सही आंसर अजय कोचर है। बताओ, भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए रहे? भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए रहे? क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। तो भारत के नए विदेश सचिव, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत के नए विदेश सचिव जो बनाए रहे हैं उनका नाम है विनय मोहन। ये विनय मोहन अभी तक जो है नेपाल में भारत के राजदूत थे, विनय मोहन ये नए विदेश सचिव हैं। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के नए आपको महानिदेशक का नाम बताना है। बताइए जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, है ना। तो ये महानिदेशक जल्दी बताइए, कॉर्पोरेट के नए महानिदेशक का नाम फटाफट जल्दी से बताइए कौन बनाए रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर जाएगा प्रवीण कुमार के साथ, बंसल के साथ नहीं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो प्रवीण कुमार जो है याद रखिएगा, ये भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के
नए महानिदेशक बनाए रहे प्रवीण कुमार। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के नए मुख्य सचिव बताइए कौन बनाए रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार बताओ जल्दी से, बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए रहे हैं फटाफट जल्दी बताइए, इसका आंसर तो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आमिर सुभानी का नाम याद रखिएगा, बिल्कुल बी आमिर सुभानी, ये बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए। अरुण मिश्रा मत बताइए, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए इस्पात सचिव यानी सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ये कौन बनाए रहे हैं बताओ, स्टील के आपको महासचिव बताना है कि कौन बनाए रहे हैं, है ना, तो इसका आंसर जाएगा संजय कुमार सिंह के साथ, संजय कुमार सिंह जो है ये इस्पात सचिव के नए सेक्रेटरी बनाए रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, 68 का ऑप्शन नंबर ए है संजय कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बताइए कौन बनाए रहे, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बनाए रहे हैं, नहीं थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, ऐसा ही नहीं सकता, देखो चीजें अगर बार बार याद करो तो ये याद होंगी। आप मुझे बताओ 75 क्वेश्चन में से कम 50 क्वेश्चन जो मैंने देखे आपने सही आंसर दिए हैं, वो 25 क्वेश्चन वो भी याद हो जाएंगे, और फिर याद करना वो जरूर याद हो जाएंगे। जी अशोक कुमार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक जी, लाइन से लिख लीजिए इसको, एक लाइन वाइज लिख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर बताइए, सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी कमेटी के नए अध्यक्ष का नाम जल्दी से बताइए क्या है, इसका आंसर दो भाई सब लोग। हाँ तो टीएस मूर्ति के साथ इसका आंसर जाएगा, है ना, हाँ बिल्कुल टीएस एकदम, तो टीएस त्रिमूर्ति के साथ आंसर जाएगा, सुरक्षा परिषद आतंकवादी निरोधी कमेटी के अध्यक्ष का नाम है टीएस मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, असम राइफल के 20वें महानिदेशक का नाम बताइए, देखो असम राइफल की जब भी कभी बात आए ना तो आप याद रखिएगा इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय सीलोन में है। अब देखो अगर तुमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इसके महानिदेशक कौन बनाए रहे अभी हाल में, तो आंसर जाएगा विकास लखेरा के साथ, है ना, लेकिन अगर तुमसे ये पूछा जाता कि महानिरीक्षक है आईजी है आईजी, लेकिन अगर पूछा जाता डीजी कौन बनाए रहे यानी डायरेक्टर जनरल कौन बनाए रहे, तो प्रदीप नैयर के साथ आंसर जाएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, प्रदीप नैयर भी आंसर में मिलेगा और विकास लखेरा भी मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। बोलो बात सबको क्लियर है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, आईटी मद्रास के नए डायरेक्टर कौन बने हैं बताइए, आईटी मद्रास के नए डायरेक्टर कौन बने हैं फटाफट जल्दी से पढ़िए। हाँ तो प्रोफेसर वी रामकोटी का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर वी रामकोटी जो है ये आईटी मद्रास के नए डायरेक्टर बने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको लगा के देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय स्पेस यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए रहे हैं, है ना, तो इसरो के अध्यक्ष तो अभी मैंने बताया भी था इससे पहले भी, इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ जो है ये इसरो के अध्यक्ष भाई, 73 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं, एयर इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं फटाफट जल्दी से इसका आंसर दो भाई, एयर इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी का नाम जल्दी से बता दीजिए क्या है, है ना, सोमनाथ, हाँ बिल्कुल, तो आंसर जाएगा विक्रम देव दत्त के साथ, एयर इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं विक्रम देव दत्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 75, चलो इसका आंसर भाई सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो लेक्चर में कमेंट करके जो बताइएगा, तो मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं है, देखो बहुत सही बात है, 75 मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो तुम्हारे कह सकते हो कि जितने भी अभी 2022 में आप पेपर दो रहे ना, नई नियुक्तियां चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, ये पूछे जाने के चांस है ना, हालांकि नियुक्तियां अभी और भी ये बहुत सारी मैंने सॉल्व करा रखी है इससे पहले भी, लेकिन वह याले सेशन में नहीं लेते आ पाया, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे पूरा।
लेकिन अगर आप इस 75 क्वेश्चन को एक लाइन वाइज लिख लेते हो तो ज्यादातर नियुक्तियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शाम वाली क्लास में जरूर आइए, बड़ा मजा आएगा शाम वाली क्लास में, क्योंकि आज शाम वाली क्लास में पूरे डिसीज के 7 क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।